हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा सुंदर हो, बेदाग हो। अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल की समस्या है, तो उसमें ये रेमेडी बहुत ही कारगर है। अगर आप ये घरेलू रेमेडी को रेगुलर अप्लाई करते हैं, तो आपकी झाइयाँ 100% ठीक हो जाएंगी। फिर कभी आपको झाइयों की समस्या नहीं होगी, चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा, स्किन टाइट होगी, स्किन को ग्लोइंग बनाएगी ये रेमेडी। कपूर और नारियल तेल को मिक्स करके लगाने से इसके फायदे जो है दोगुने हो जाते हैं। आज की जो रेमेडी है, इसका मेन इंग्रेडिएंट कपूर और नारियल तेल है। नारियल तेल मोस्टली सबके घरों में रहता है, कपूर भी रहता ही है, पूजा में लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी चाहिए कपूर। तो यहाँ पर हमें कपूर को पाउडर बना के लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग नारियल तेल। इस रेमेडी को हम 1 वीक के लिए बना के रखेंगे, बना के हम इसे स्टोर करके रखेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही लेना है, क्योंकि अगर हम प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करेंगे तो ये रेमेडी खराब हो जाएगी। 1 वीक तक आप इसे स्टोर करके नहीं रख पाओगी। और यहाँ पे जो मैंने कपूर लिया है, ये भीम सेनी कपूर है, यही कपूर आपको लेना है। जो पूजा के लिए हम लेके आते हैं, उसमें केमिकल भी हो सकता है और हमें इसे अपने स्किन पे लगाना है, तो यहाँ पे आपको वो वाला नहीं, यही कपूर आपको लेना है। उसके बाद 1 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपको किसी भी केमिस्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। 30 रुपीज़ की 10 कैप्सूल आती है। हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे मैं 1 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमें 1 बाउल में पानी गर्म करना है। पानी गर्म करके आपको इसे फ्लेम से नीचे ले लेना है बाउल को। उसके बाद जो ये हमारी रेमेडी है, इसमें हमें इसको रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको किसी एक एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करके रख देना है फ्रिज में। इसे आपको रेगुलर अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना हो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरी तरह से मेल्ट तो नहीं होगा कपूर, लेकिन फिर भी इसका जो तत्व तो है वो कोकोनट ऑयल में, बाकी चीज़ों में अच्छे से आ जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने चेहरे से दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। इस रेमेडी से 100% आपकी झाइयाँ, दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा कि आपके चेहरे पर कभी भी दाग धब्बे थे ही नहीं। तो पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई करना है इसे, थोड़ा थोड़ा सा लेके, जिस तरह से आप मार्केट वाली क्रीम लगाते हैं उसी तरह से अप्लाई करना है और मसाज करना है, जिससे कि ये रेमेडी पूरी तरह से हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद आपको फेस को नॉर्मल वाटर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो भी आप अप्लाई करते हैं, कोई मॉइस्चराइजर हो, क्रीम हो, उसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर आपको इसे अप्लाई करना है। अगर दिन में आपके पास टाइम है तो दिन में अप्लाई कीजिए, नहीं तो जब आप नाइट में सोने जाते हैं उस टाइम अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। थोड़ी देर छोड़ने के बाद 15 से 20 मिनट उसके बाद फेस को आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको नाइट में नाइट क्रीम या नाइट सीरम अप्लाई नहीं करना है। वैसे ही अप्लाई करके नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करके ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे आपका चेहरा बेदाग होने लगेगा, स्किन टाइट होने लगेगी, ब्राइट होने लगेगी, ग्लोइंग होने लगेगी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इस रेमेडी को ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे अप्लाई करने के पहले एक पेस्ट टेस्ट आपको कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। कपूर में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, नारियल तेल में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। कपूर में इसे मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। आप चाहे तो एक चुटकी कपूर को बेसन या मुल्तानी मिट्टी में भी मिला के पैक बना के उसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किन के दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल और कपूर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। अगर आपके फेस पे कटे या जले का निशान है तो इस रेमेडी से उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इस तरह से आप 1 वीक तक करके देखिए, 1-2 बार में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई, वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन के साथ में, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।